कल सोनभद्र और आज गाजियाबाद और बाराबंकी से आई तस्वीरों ने देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में बर्ड फ्लू की दहशत पैदा कर दी है। तो अब मयूर विहार में मृत कौए मिलने से दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की दस्तक हो गई है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में लगातार हो रही पक्षियों की मौत से बर्ड फ्लू की दहशत बढ़ती जा रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वेव सिटी में चल रहे धरने के पास भी 5 कौए मृत पाए गए हैं, जिससे लोग चिंता में डूब गए हैं। हम लोग अपने खेतों को जोतकर उनकी बुआई कर रहे थे, तभी देखा कि 4-5 कौए जो उड़ने में असमर्थ हैं, उड़ते हैं और गिर जाते हैं, जिनमें उनकी 2-3 की डेथ भी हो चुकी थी और बाद में वो चौथा कौआ भी था, वो उसकी भी डेथ होगी। जिस यहाँ पर अभी कोई टीम नहीं आई और हमें अंदेशा कि ये बर्ड फ्लू के चपेट में तो कहीं हमारा गाँव हमारा क्षेत्र नहीं आ गया हो, हम इससे बड़े चिंतित हैं। गौतम बुद्ध नगर में फिलहाल बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं आया है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सूरजपुर और घनौरी वेटलैंड में पक्षियों के दीदार पर 1 सप्ताह तक की रोक लगा दी है। प्रिकॉशनरी मेजर्स शासन के निर्देश के क्रम में लिया जा रहा है। या आप जानते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती है, वेटलैंड्स है, फॉरेस्ट एरिया है, अतः उन जगहों पे एक्सेस कंट्रोल किया गया है ताकि लोग जो आते जाते हैं उनको माइग्रेटरी बर्ड्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक ना जाए, इसके लिए व्यवस्था की गई है। यूपी के बाराबंकी में भी 2 दर्जन से ज़्यादा कौओं की मौत से लोग दहशत में आ गए हैं। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जाँच शुरू कर दी है। लगभग 2 दर्जन कौए मृत पाए गए, उसमें अभी डॉक्टर साहब को फोन बुलाया है पशु चिकित्सा अधिकारी को, तो वो आ करके उसका कलेक्ट करके सैंपलिंग करके उसका पोस्टमार्टम करके उसको भोपाल में बिस्तरा इकट्ठ करके उसको भेजा जाएगा, उसके बाद वहाँ की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लगातार हो रही पक्षियों की मौत से यूपी की राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी मुर्गे और अंडे के बाजार में सन्नाटा पसरा है, कारोबारियों के चेहरे भी मुरझा गए हैं। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है हमारे यहाँ, 80% है, 20% फर्क पड़ा है। 50-60 किलो बिक जाता था, अभी 30-40 किलो बिक रहा है। बिजनेस की बात है, वो 30% रह गया है, बहुत असर पड़ा है। और सिर्फ अफवाह आई है और है कुछ नहीं, यहाँ पर पेपर में भी निकल आया है, चिकन विकन खाने तो कोई दिक्कत नहीं। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर लखनऊ जू में भी सावधानी बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश में अभी इसका आगाज नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है और उसको लेकर हम लोग सावधानियां बरत रहे हैं। उन सावधानियों में शामिल है कि किसी तरह के इन्फेक्शन ना हो, तो सबसे पहले तो है कि किसी तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स को हम यहाँ आने नहीं दें, या कोई घायल बर्ड्स आती है उसको इंटरटेन ना करें। बर्ड फ्लू का एक भी मामला उत्तर प्रदेश में सामने नहीं आया है, बावजूद इसके सतर्कता बरती जा रही है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। कुल मिलाकर के सरकार बर्ड फ्लू को लेकर के कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।